ये देखो भाई कितने प्यारे फूल और खे यार, वाह आजकल सूखने भी लग गए हैं, धीरे धीरे सिकुड़ने लग गए हैं। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ये रहा यार, कितने प्यारे फूल और खे, एक साल हो रहा और टूट गया। मतलब हमारे गांव के लोग ना इतना टेम्परेली काम करते हैं, मतलब अपना गांव का काम हो के भी ऐसा करते हैं कि ये देखो क्या बुरी हाल है यार भाई। तो हमारे भाई लोग काफ़ी दूर से यहाँ पे इन लकड़ियाँ बनाने के लिए आ रखे हैं। तो भाई लोग अपना परिचय बता दीजिए, आप कहाँ से आ रखे हैं? जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है तेज प्रसवान और आप देख रहे हैं मुझे देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो चलिए दोस्तों करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 9:30 और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने गाँव के जंगलों से, बिकॉज आज मुझे कुछ काम से जाना है अपने गांव के जंगलों में। तो अभी देख सकते हैं यहां पे लाटू देवता का मंदिर गांव से ठीक 50 मीटर के दूर लगभग ये मंदिर है। और अभी अपने गांव के इन खूबसूरत घने जंगलों के बीचों बीच जा रहा हूं, और अभी मुझे जाना है गांव से लगभग एक दो किलोमीटर के आसपास दूर जाना है, बिकॉज वहां पे हमारे गढ़वाले में कहते हैं चिरान हो रहा है लकड़ियों का, यानी कि जो तख्ते उखते हैं और कड़ी तख्ते निकाले जा रहे हैं। तो अभी मुझे वहाँ जाना है क्योंकि मुझे भी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों अभी मुझे यार ऐसे बांस के पेड़ हो रखे हैं, इधर देखो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इधर से भी, और यहाँ देखो अंदर ही अंदर प्यारे से लग रहे हैं, क्योंकि हमारे गाँव के लोग इधर का बांस नहीं काटते हैं, और ये अच्छा भी लगता है गांव के नज़दीक हरे भरे पेड़ पौधे अगर हों तो ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती है। और ऐसे में तो पहाड़ों में तो बहुत ही कम यार ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। और यार इधर देखो प्यारे प्यारे पेड़ हो रखे भाई बांस के, तो जंगल एकदम प्यारा से है, और आगे आपको भी दिखाते रहेंगे। यहाँ पर देखो यार प्यारे से बुरांस के फूल और हैं, धीरे धीरे सूखने लग गए, बिकॉज आजकल लगातार कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप आ रही है, तो ऐसे में ये सूखने लग गए हैं, और जो बुरांस हैं अभी यार यहाँ पर देखो ये जंगल के बीच एक धारा बन रखा है, लेकिन यहाँ पे इस पर पानी नहीं है आजकल क्योंकि सूखा हुआ है। और यहाँ पे एक चरी बन रखा है गायों के लिए पानी पीने के लिए, और वैसे तो पेड़ पौधों के लिए ये बेस्ट था, लेकिन आजकल पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर धारा देखो यार, एक साल हो रहा और टूट गया। मतलब हमारे गांव के लोग ना इतना टेम्परेली काम करते हैं, मतलब अपना गांव का काम हो के भी ऐसा करते हैं कि ये देखो क्या बुरी हाल है यार भाई। अगर इनको अच्छा सा बनाया रहता तो मुझे लगता है एकदम प्यारा सा रहता और टूटता भी नहीं। तो क्या ही बोले यार, किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं लेनी है हमको। वैसे तो हम इसको पहले ही इस पर कुछ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन क्या करें, गाँव में ना किसी के साथ आपसी संबंध ख़राब नहीं करने, जो होगा होने दो, जो हो रहा है होने दो, ये सब चलने देते हैं फिलहाल। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से पुराना रास्ता है जो कि हमारे गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है, यानी कि जी रानी और इधर ये रामनी वाला रास्ते को जोड़ती है, बिकॉज अब ये बंद हो चुका है क्योंकि अब नीचे गाड़ी वाले रोड से लोग जाने लग गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारे गांव के लोग जंगल इसी रास्ते से जाते हैं अपने गायों के लिए बांज बूंज और लकड़ी है जो भी है उसको लेने के लिए, तो घास घूस लेने के लिए ये वाला रास्ता यूज़ करते हैं। और बाकी यार नीचे साइड से रोड है, इसके नीचे काफ़ी नीचे है रोड, और देखो अभी तुम्हारा भाई भी एकदम घनघोर जंगल के बीच आ गया है। इधर देखो अकेला सा और सुनसान सा पड़ा हुआ है इस समय जंगल, कितने प्यारे प्यारे पेड़ हो रखे यार इधर। अभी यहाँ पे देखो एक बुरांस का पेड़ भी है, और सामने वाह खूबसूरत व्यू लग रहा है ना, एकदम एक फ़ोटो भी खींच लेता हूँ भाई। यहाँ पर से दोस्तों दो रास्ते गाँव के लिए जाते हैं, एक से मैं जा रहा हूँ ऊपर के लिए, और एक ये जा रहा है गाँव के नीचे, और एक ही जा रहा है गांव से ऊपर। तीन रास्ते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अभी यार मुझे अभी भी यहाँ से
एक 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास जाना होगा। बिकॉज अभी आपको दिखाते हैं कौन सी जगह पे जाना है। वो दिख रहा है आपको सीधा वो वाला पेड़, उससे भी ऊपर जाना है और चलते हैं यार, जाना तो है ही और टाइम भी बहुत हो चुका है, तो चलो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं कितने लकड़ियाँ काटिया उन्होंने। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ अपने गांव के घने जंगलों के बीच और यहाँ पर भाई लोग भी आ गए हैं यहाँ पे कुछ अपने लकड़ियों को लेने, यानी कि जो सेटरिंग की लकड़ियाँ हैं उनको लेने के लिए और दरवाजे खिड़कियाँ बनाने की जो लकड़ियाँ होती है उनको लेने। तो अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से उसकी कटिंग हो रही है, आपको इसी ब्लॉग में दिखाने वाले हैं आगे, तो चलो अभी देखते रहो ब्लॉग को एंड तक। तो दोस्तों रास्ते में आते आते यहाँ पर देख सकते हैं बुरांस के फूल खिले हुए हैं, क्या काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर देखो एक सामने वाले पेड़ में क्या खूबसूरत बुरांस के फूल हो रखे हैं और जो कि जड़ने वाले हैं यार, क्योंकि आजकल बसंत ऋतु जो आ गया है तो ऐसे में ये फूल जड़ने शुरू हो गए हैं। तो अभी आपको आगे भी दिखाएंगे और रास्ते में मिलते रहेंगे शायद अब बुरांस के फूल, क्योंकि नीचे साइड तो सारा सूख चुका है और जो ये जंगल है इसमें अभी भी खिले हुए हैं। अभी मुझे एक दो प्यारे प्यारे फूल निकालने हैं, तो अभी ऊपर चलते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल और रखे ऊपर, इस पर निकालते हैं एक दो फूल। ये देखो भाई कितने प्यारे फूल और रखे यार, वाह आजकल सूखने भी लग गए हैं, धीरे धीरे सिकुड़ने लग गए। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ये रहा यार कितने प्यारे फूल और रखे, तो एक दो फोटोज़ तो बनता ही है। और तुम्हारा भाई यहाँ पे है, हवा चल रही है हल्की हल्की मंद मंद और यहाँ पे देखो कितने प्यारे फूल और रखे। तो दोस्तों ये रहा बुरांस के फूल यार, काफ़ी प्यारे से फूल देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। फाइनली दोस्तों मैं उस स्पॉट पर पहुंच चुका हूं जहां पर लकड़ियां बन रही है, तो यहां पे नीचे भाई जी यहां पे काट रहे हैं और एक भाई जी यहां पे काट रहे हैं और मैं भी यहां पे इस स्पॉट पर पहुंचने वाला हूं और यहां पे दिखाते हैं किस प्रकार से आपको तो यहां पे चिरान हो रही है, यानी कि लकड़ियाँ बन रही है, आपको दिखाते रहेंगे पूरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लकड़ियाँ बनाई गई है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है, इधर से देख सकते हैं एकदम प्यारे से लकड़ियाँ बना रखे हैं। हालांकि थोड़ा कि कोई कोई लकड़ी यहाँ पे थोड़ा मोटी पतली और के, तो एकदम प्यारे से बना रखे हैं भाई ने। और यहाँ पे ये वाले आगे अभी और लकड़ियाँ बनना यहाँ पे बाकी है और जंगल तो इधर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से रहा यार। सामने हमारा प्यारा सा सुंदर सा पहाड़, अपना नेचर आपको दिखा देते हैं। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चिरान हो रही है और लकड़ियाँ बनाई जा रही है, आपको इसी ब्लॉग में दिखा रहे हैं और देखते रहो। और कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार हमको। तो भाई जी लगे हैं यहाँ पे चिरान करने में, तो अभी यहाँ पे लकड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी है कुछ इस प्रकार से और यह है 12 फीट लंबे और शायद
10 इंच चौड़ा है और काफ़ी अच्छी लकड़ियाँ इन्होंने निकाला हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। और लगभग एक लकड़ी के टुकड़े पे लगभग 8-10 तख्ते के आसपास निकल रहे हैं, तो ऐसे में लगभग इन्होंने निकाल लिए हैं 100 के आसपास यहाँ पे तख्ते निकाले हुए। कुछ इधर हैं तो कुछ आगे हैं और कुछ इस साइड और कुछ नीचे, यहाँ पे नीचे हो रहा है वो अभी आपको दिखाऊंगा। फिर अभी आप फिलहाल इसको देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। तो भाई लोग अभी यहाँ पे सूत लगा रहे हैं इस पे और यहाँ इस पे निकाल रहे हैं कड़ी, और लगभग 3-4 इंच के कड़ी निकालने हैं। और ये लकड़ियाँ इधर से भी सड़ा हुआ है और उधर से भी सड़ा हुआ है, दोनों तरफ सड़ा हुआ है, इसलिए बीच से इसके दो कड़ियाँ शायद निकलेगी एक पीस पे और इस पे भी, क्योंकि दोनों तरफ से सड़ा हुआ है। तो यार ये तख्ते तो मुझे भी निकालने थे, लेकिन यहाँ पे पेड़ है खाली है नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि जितने थे वो लोगों ने निकाल लिए हैं। अभी देखते हैं अगर एक दो पेड़ बचे होंगे तो उन पर निकालते हैं, और अभी तो फ़िलहाल मुझे वैसे ही जाना पड़ेगा। फिर भी देखते हैं जो भी होगा, इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलो आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारे भाई लोग काफ़ी दूर से यहाँ पे इन लकड़ियाँ बनाने के लिए आ रखे हैं, तो भाई लोग अपना परिचय बता दीजिए, आप कहाँ से आ रखे हैं? जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये यार काफ़ी दूर है जम्मू कश्मीर, और कहाँ रहा इन दो रोटियों के लिए इंसान को कहाँ ना कहाँ जाना पड़ता है। और यहाँ पे भाई जी से लगे हैं नीचे के लिए निकल गया हूँ अपने गांव के लिए, क्योंकि यार वहाँ पे तो लकड़ियाँ थी नहीं और जितने थे वो लोग सारे ले गए हैं, और कुछ अभी बना रहे हैं वो लोग, तो अभी बन रहे हैं, तो देखते हैं कल परसों तक अगर पेड़ मिलेंगे उनको तो बनाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो नीचे बनाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं वैसे ही खाली निकल चुका हूँ और भाई लोगों ने मुझे ये पकड़ा है यार। अभी यहाँ पे देखो ये थोड़ा बहुत मेरे काम भी आ सकता है, क्योंकि मुझे इसको दुकान पर ले जाना है रैक बनाने के लिए, तो इसी को लेके चलते हैं। और फिलहाल दोस्तों अभी तो क्या ही बोले यार, अभी आपको किसी ने ब्लॉग में बताएंगे क्या चीज़ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, वो सारे अगले ब्लॉग में मिलेगा। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यार चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, भूलना मत यार दोस्तों।